दोस्तों, क्या आप किसी के मोबाइल नंबर से फेसबुक अकाउंट पता करना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं सिर्फ मोबाइल नंबर डाले और उसका फेसबुक अकाउंट पता चल जाए? तो फिर इसके लिए आप इस वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा। दोस्तों, सिर्फ मोबाइल नंबर से फेसबुक अकाउंट जानने के लिए यहाँ पे हम ओपन करते हैं अपने डायलर पैड को। और डायलर पैड ओपन हो जाने के बाद यहाँ पे आपको वो नंबर डालना होगा जिसका आप फेसबुक अकाउंट जानना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं एक नंबर का फेसबुक अकाउंट जानना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं वो नंबर डायल करूंगा। अब यहाँ पे ये नंबर डायल कर देने के बाद आपको क्या करना होगा कि आपको सिंपली इसे अपने फोन में सेव कर लेना होगा। यहाँ पे ऐड कॉन्टेक्ट पे क्लिक करके आप यहाँ पे उसका नेम डाल दीजिएगा और फिर इस नंबर को आप अपने फोन में सेव कर दीजिएगा। यहाँ से मैं इसे कट करता हूँ। और यहाँ पे अब आपको क्या करना होगा कि आपको अपने फोन में एक ऐप ओपन करना होगा। ये मैं ऐप पहले से डाउनलोड करके रखा हूँ, आप इसे ओपन कीजिएगा, अपने फोन में आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। दोस्तों, इसका डाउनलोड करने का तरीका मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा कि इसे कैसे डाउनलोड करना है। यहाँ पे ऐप ओपन करने के बाद यहाँ पे आप इसे टिक कर दीजिएगा। यहाँ पे ये जो आइकन लिखा हुआ है आप इस पे टिक कर दीजिएगा इसके सामने। और इसके बाद यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा सेट एज डिफॉल्ट पे। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ परमिशन अलाउ करना होता है, तो यहाँ पे आप इस परमिशन को अलाउ कर दीजिएगा। यहाँ पे आप इसे अलाउ कर दीजिएगा। और इसके बाद इसी तरह से यहाँ पे भी क्लिक करके आप यहाँ पे भी इसे अलाउ कर दीजिएगा। अब दोस्तों क्या करना होगा कि आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा कंटिन्यू पे। और यहाँ पे दोस्तों आपको अपना मोबाइल नंबर डाल के इसे वेरीफाई करना होगा। आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल के वेरीफाई कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं अपना मोबाइल नंबर डाल के वेरीफाई इसे कर ले रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पे अब ये ऐप क्या करता है कि ये जो फोटो है आपका फेसबुक पे जो प्रोफाइल फोटो लगा हुआ होता है उससे ये आपका फोटो डिडक्ट करके यहाँ पे वो आपका फोटो लगा देता है। अगर आप चाहे तो इसे चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे आप अपना नेम डाल दीजिएगा, इसके बाद आप क्लिक कीजिएगा दिस इज मी पे। तो दोस्तों यहाँ पे अब आपका क्या होता है कि यहाँ पे आपके फोन में जितने भी कॉन्टेक्ट है यहाँ पे ये खुद से ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे आप जो अपने फोन में कॉन्टेक्ट नंबर सेव किए हैं वो यहाँ पे आप ढूंढ लीजिएगा। अगर वो नंबर नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे आप उसका नेम या फिर नंबर डाल के सर्च कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप किसी भी व्यक्ति का उस नंबर से अगर फेसबुक अकाउंट बना है कि नहीं बना हुआ है ये देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा कि आपको उस नंबर पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे जैसे ये नंबर है, मैं इसका फेसबुक अकाउंट चेक करना चाहता हूँ कि इस नंबर से बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है। तो यहाँ पे हम सिंपली क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं, व्हाट्सएप, डायल कॉल, और इसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है फेसबुक का। तो अगर आप जानना चाहते हैं इस नंबर से फेसबुक अकाउंट बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है तो सिंपली आपको यहाँ पे फेसबुक पे क्लिक कर देना होगा। और दोस्तों जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो उसका फेसबुक अकाउंट यहाँ पे ओपन हो जाता है। दोस्तों यहाँ से हम आते हैं एक बार बैक और यहाँ पे हम किसी और नंबर को अगर सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से मैं कोई और नंबर को ले लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं इस कॉन्टेक्ट को ले ले रहा हूँ और यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम क्लिक करते हैं फेसबुक आइकॉन पे। तो इस तरह से यहाँ पे भी इसका फेसबुक अकाउंट ओपन हो जाता है। तो दोस्तों अब आपको बता रहा हूँ कि इस ऐप को आपको कैसे डाउनलोड करना है। तो दोस्तों इस ऐप को आप सीधे प्ले स्टोर से नहीं डाउनलोड कर सकते क्योंकि ये ऐप ऊपर नीचे होते रहता है तो खोजने में काफी परेशानी आती है। इसलिए मैं इस ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ और आप जाइए डिस्क्रिप्शन में और आप इस ऐप को डाउनलोड करके मजे कीजिए।